ये हमारे हक में जी लगा कि जैसे हमारे मुख में कोई चंदन फोड़ दिया। हाँ, कोई भी नेता ये नहीं साबित कर सकता है कि किसी पार्टी के लिए उसने निस्वार्थ जी जी 10-12 साल तक काम किया हो, निस्वार्थ जी जी 10-12 साल बीत गए हों और कोई स्वार्थ न हो, ये भी अपने आप की एक बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। तो हनुमान जी ने बड़ा अच्छा किया, सुन के थोड़ा सा लगा कि आप अरे ऐसे ऐसा भी होता है हिंदुस्तान ने भी, तो विपक्ष वालों को नहीं पूरी बात मालूम ना जी जी, धीरे धीरे बात फैलेगी तो विपक्ष वालों को भी बोलने का मुद्दा मिलेगा। बिल्कुल जन बाबा जी, आज आप वीडियो के माध्यम से जितने भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं और उसके अलावा जितने भी लोग आपका वीडियो देखते हैं, उनको आप सनातन धर्म की जो सच्चाई है, जो उसका मूल है, जिस वजह से सनातन धर्म को सबसे ऊपर माना जाता है और देश विश्व गुरु अपना हो सकता है अगर हम सच्ची पूजा और सच्चे धर्म के साथ आगे बढ़ें, बल्कि आडंबर को छोड़ दें, जो सनातन में आडंबर आ चुका है उन आडंबरों से हम कैसे छुटकारा पाएं, और जो आडंबरी बाबा इस दुनिया में घूम रहे हैं, जो चोला भगवा ओढ़े हैं लेकिन उनका आडंबर भक्तों के लिए बहुत ही बुरा साबित हो रहा है, जिस वजह से वो चारों तरफ से उनको कुछ हासिल भी नहीं हो रहा है और अपना समय भी बर्बाद कर रहे हैं, तो वो सच्ची बात आप लोगों को बताइए कि सनातन धर्म की सच्चाई क्या है, कैसे आप इससे जुड़ करके अपने आप को एक अच्छा भविष्य दे सकते हैं। देखिए, जब दुनिया में जितने भी धर्म हैं जी, सारे धर्मों को एक जगह मिक्स करके और मंथन किया जाए। हाँ, जितने विद्वान हैं उनको भी बुला लिया जाए जी बाबा, और जितने धर्म धार्मिक पुस्तकें हैं उनको भी मंगवा लिया जाए जी। और उनसे सिर्फ ये पूछा जाए कि साहब एक बात ये बताइए कि जो आप अपने लिए चाहते हो औरों से जी जी, पशु से, पक्षी से, माता से, पिता से, यहाँ से, दोस्त से, सरकार से, जो कुछ पत्नी से, परिवार से, आप जो कुछ भी चाहते हो जी अपने लिए, क्या वही चीज आपको प्राप्त होने पर क्या वो तो लौटाते हो? नहीं लौटाते, लौटाना चाहिए जी। आप नहीं लौटाते हैं तो आपको क्या कहा जाए, आप ही बताइए आप क्या कहा जाए। एहसान फरामोश, उस समय की भाषा की बात अलग है। एहसान फरामोश किसी को कह देना जी, तो ऐसे ऐसे घरिया देगा, तो हायर टर्म तो है नहीं। नहीं, नहीं। तो मैंने यही अनुभव किया है। आज बाबा जी आप बहुत थके हुए लगे, बहुत दिन भी आज दिन में सोए नहीं है आप। देखिए 85 साल की उम्र है, मैं चाहता हूँ कि समय जी जी अधिक न बोल करके। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, वाणी को विराम दिया, वाणी को विराम दिया गया, और यही थोड़ा सा हम सो भी आपने सोने की बात कही है, हम थोड़ा सो गए। ये कपड़े उपड़े हमको इनकी चिंता छोड़े जी, कपड़े रोज हमारे धुल जाते हैं। अच्छा,
लेबर आता है धो देता है। धो देता है, अरे वाह बहुत अच्छी बात, यही है वही बात है। अब लेबर से लोगों ने कहा गांव के, कई बड़े भागशाली हो कि दुनिया के बोलती बंद करे वाले बाबा के तुम लेबर हो। लेबर, अरे जौन कहें उनके मालिश कर दो, कपड़ा धो दो। जब कई लोगों ने कहा तो उसके बाद दिमाग में आ गई सही बात। बादल से तो नहीं लग रहा था लेकिन पानी के रफ्तार को दिखाइए मोबाइल में, ये देखिए बहुत तेज है, बहुत तेज है। आज जो है जी जी सब्जी भी बड़ी सस्ते मिलेगी, हाँ लेने वाले भी भाग लगाएंगे जी जी। ठीक बाबा जी, वाणी को समाप्त करते करते एक बार जो है, हाँ बस केवल पशुओं और पशु पक्षियों की जो जान डेली ली जा रही है, जो मांसाहार बढ़ रहा है हमारे समाज में, उसके बारे में थोड़ा सा बोल दीजिए बस। फिर उसके बारे में ये बोलना है जी कि मांस खाना अभी छोड़ो जी जी, वरना एकदम से बच नहीं पाओ। सही बात, मैं दावे का जो हालात चल रहे हैं दुनिया में जी जी बड़े घातक है, तो ऐसी लड़ाई कहीं ना हो जाए जी जी, इसलिए मांसाना लोग छोड़ दीजिए। सही बात, ठीक इसी साथ हम वीडियो को समाप्त करना चाहेंगे। बाबा जी काफी थके हुए हैं। जय श्री राम, जय श्री राम काज, जय श्री राम काज, जय श्याम साधु जी महाराज, जय।